शिवा माय डार्लिंग, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार। आई लव यू। ए लेकर आ। अबे ए ले आओ उसे। मेरे को लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है। चल आज तुझसे ही शुरू करता हूँ मैं। आजा। ए शिवा क्या कर रहा है, भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूँ मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले। इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहाँ बैठी है ना, उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी, कचरा, लोफर, ठग समझती है। कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। यार रिश्ते नातों में कितनी ताकत होती है, उस वक्त एहसास हुआ मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम लोहे के हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है। 10 साल तक मैं अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे। और वो भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला, और इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और तुम सबकी धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। बल्कि जब किसी बहन पर खतरे का साया मंडराता है तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है? आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ए, तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता बे तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है, लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूँ मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में, भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगा कर निकल जाऊंगा मैं। बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देख कर ही हिल गया है, अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो।
जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ। Ugh.